लिया कि हाँ भाई टेबल का क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होगा, आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 80 है डीके का, मनी प्लस कंपनी लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आप जो है वो यही सीखेंगे, वापस से टेबल वाला क्वेश्चन जो है वो अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से ये होगा। मनी प्लस कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 75,000 शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है, 75,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 10 एट ए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अभी कंडीशन नहीं है। रुपए जो मांगे हैं 2 रुपी ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपी ऑन अलॉटमेंट एंड 5 रुपी ऑन कॉल, कुल मिला के कितने रुपए का, 10 रुपए जो है एक शेयर है आपका। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,50,000, कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई वो 1,50,000 एप्लीकेशन आई, ठीक है। अब कंपनी ने इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया वो देखना है। द अलॉटमेंट वॉज डन एज अंडर एप्लीकेशन, जो 15,000 एप्लीकेशन आई हैं ये कैसे हुई, 15,000 एप्लीकेशन जो आई हैं उनको जो आपने शेयर अलॉटेड किए हैं, 15,000 एप्लीकेशन को आपने शेयर अलॉट किए हैं 5,000, जिन्होंने 70,000 एप्लीकेशन दी हैं उनको आपने शेयर अलॉट किए हैं 40,000, और रिमेनिंग जो एप्लीकेशन हैं उनको आपने 30,000 शेयर्स दे दिए, कुल मिलाकर 75,000 शेयर अलॉट कर दिए। और एप्लीकेशन 70 and 15 85 85, और में से 150 में से 85 गया तो ये हो गया 65, बाकी के 65,000 एप्लीकेशन को आपने 30,000 शेयर दिए हैं, कुल मिलाकर 1,50,000 एप्लीकेशन का आपने डिस्पोजल किया है। मनी इन एक्सेस टू द अलॉटमेंट वॉज रिटर्न, यानी पैसा अभी भी आप अलॉटमेंट तक ही रोक सकते हैं, उसके बाद आप नहीं रोक सकते, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। हरी होल्ड अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3,500 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप बी, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, तीन ग्रुप है, हरी इस ग्रुप में से है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हरी ने ये दोनों पैसे नहीं दिए। इसने 3,500 के लिए एप्लीकेशन दी थी, इसका ग्रुप का रेशियो है 7:4 और उसने 3,500 के लिए एप्लीकेशन दी है तो उसको शेयर कितने मिले होंगे, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, 3,500 तो 7 के लिए है तो 4 के लिए कितना होगा, 2,000, तो इसका मतलब हरी के पास 2,000 शेयर थे अकॉर्डिंग टू ग्रुप बी के रेशियो से। अपन ने इसको सॉल्व किया कि 3,500 तो 7 के लिए है तो 4 के लिए कितना होगा, ठीक है। रोहन ए शेयर होल्डर हु हैड अलॉटेड 3,000 शेयर पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, ये अलग कंडीशन है, अभी मैं केवल टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं तो मैं इतना ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो अब वही टेबल अपन को बनानी है, तीन ग्रुप हैं आपके, तो आपके ग्रुप हैं ए बी एंड सी, तीन ग्रुप हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, 15,000 एप्लीकेशंस को आपने 5,000 शेयर दिए, तो एप्लीकेशन है 15,000 और आपने शेयर दिए 5,000, 70 को 40, 70,000 एप्लीकेशंस को आपने शेयर दिए 40,000 और 65 को दिए 30, 65,000 को आपने शेयर दिए 30, इस तरीके से कुल मिलाकर 150 एप्लीकेशंस आई हैं और आपने उनको शेयर दिए 75,000, सही है। अब एक्सेस एप्लीकेशंस 15 आई थी, 5 ही दिए तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई, 10,000, 70 आई थी 40 दिए तो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई 30,000, 65,000 एप्लीकेशन आई थी शेयर 30 दिए तो एक्सेस कितने हो गए, 35,000, ठीक है। ये एक्सेस एप्लीकेशन है, इसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और हम जानते हैं कि एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 2 रुपीज, तो इन सभी को 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 into 2 दैट इज 20,000,
30 into 2 that is 60,000 and 35 into 2 that is 70,000. Excess application money आ गई, then आएगा amount due on allotment. जितने share आपने allot किए हैं उन पे आप allotment के 3 रुपए मांगेंगे, 3 रुपए से multiply कर दें, 5,000 into 3 that is 15,000, 40 into 3 that is 120 and 30 into 3 that is 90. अब हम एक्सेस मनी इजीली निकाल सकते हैं. यहां तो एप्लीकेशन मनी आई हुई थी 20, जबकि जरूरत है 15 की, तो 5 की एक्सेस मनी है, रिफंड करनी पड़ेगी. 60 आए हुए चाहिए तो 120, यहां तो माइनस का 160 है, रिफंड की कोई गुंजाइश नहीं है. 70 है चाहिए 90, यहां भी रिफंड की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए रिफंड कितना होगा, रिफंड होगा आपका सिर्फ ये वाला 5000, ये वाला 5000 ही आपका रिफंड होगा. और अपन ये भी देख सकते हैं कि सर रिफंड का तो चलो 5000 हो गया, अगर आप आंसर में देखेंगे तो यहाँ टू बैंक जो किया है वो 5000 किया, ये अमाउंट तो निकल गया. सर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर होगा, मैंने कहा था अलॉटमेंट में ट्रांसफर होता है विच एवर इज लोअर, 20 या 15, 15, 60 या 120, 60, 70 या 90, 70. तो 60 एंड 70 130, 130 एंड 15 145. तो चेक कर लो टू शेयर अलॉटमेंट में जो ट्रांसफर किया है वो 145 ट्रांसफर किया है, सही है. तो ये फिगर आपको अच्छे से निकालने आने चाहिए. आगे देखते हैं. तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 71 सोनम लिमिटेड. ये क्वेश्चन भी डीके का है, इलस्ट्रेशन नंबर 71. ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी टेबल का आपका यूज किया गया है. सोनम लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ 20 ईच ऑफ 10 ईच. तो 20,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10. रुपए मांगे आपने 2.5, देन 4, देन 3.5. कुल मिलाकर आपने 10 रुपीज मांगे, ठीक है ना. आगे क्या कहता है, आगे आपको कहता है सब्सक्रिप्शन लिस्ट वॉज क्लोज ऑन 1 जनवरी बाय विच डेट एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर रिसीव्ड. एप्लीकेशन जो आई वो 45,000 एप्लीकेशन आई हैं, और हमने उनको अलॉटेड कैसे किए देखो. सबसे पहले 3 लिस्ट बनाई है, ए बी और सी. इनमें जिन्होंने 5000 एप्लीकेशन दी थी हमने उनको शेयर भी कितने दे दिए, 5000, ठीक है. जिन्होंने लिस्ट बी में जिन्होंने 10,000 एप्लीकेशन दी थी हमने उनको शेयर कितने दिए हैं, 5000. और लिस्ट सी में जिन्होंने 30,000 एप्लीकेशन दी थी हमने उनको शेयर कितने दिए हैं, 10,000. तो ये तो फुल वाला ग्रुप हो गया, ये प्रोराटा का ग्रुप हो गया, और ये भी आपका प्रोराटा का ग्रुप हो गया, ओके. ऑल द शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, सभी ने पैसे भी दे दिए, एक्सेप्ट वाई हु वाज अलॉटेड 400 शेयर अंडर लिस्ट बी, वाई इसमें से था, एंड जेड हु वाज अलॉटेड 200 शेयर अंडर लिस्ट सी, जो जेड था वो इसमें से था. बोथ ऑफ दी शेयर होल्डर पेड ओनली एप्लीकेशन, इन दोनों ने केवल एप्लीकेशन ही दिए, यानी आगे के पैसे इन्होंने नहीं दिए. अब कौन से नहीं दिए वो तो हमें चेक करने पड़ेंगे, पर कुल मिलाकर कंडीशन ये है, ठीक है. तो इसको अपन डेटा सेट करते हैं, इसका देखें. सबसे पहले ग्रुप देखते हैं, जो ग्रुप है अपने हैं ए बी और सी. ए, अच्छा ए में तो फुल है तो ए को अपन ग्रुप ही नहीं मानते, हम केवल बी और सी को ही ले लेते हैं, बी एंड सी, ठीक है. बी में कितनी एप्लीकेशन आई थी, 10,000, और उनको शेयर लॉट किए 5,000. तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन, 10,000 एप्लीकेशन आई थी, उनको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आपने किए 5,000, और जिन्होंने 30,000 एप्लीकेशन दी थी आपने उनको शेयर लॉट किए
10,000, सही है। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ गई, 10 माइनस 5, 5,000 एप्लीकेशन एक्सेस है, 30 माइनस 10 दैट इज 20,000 एप्लीकेशन है। अच्छा, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, लिखा है सी लिस्ट के बाद एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड अलॉटमेंट, के अलॉटमेंट से ज्यादा भी पैसा आए, कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कॉल्स, खुद नहीं कह दिया कि ये पैसा कॉल्स तक जा सकता है, यानी हम अलॉटमेंट के बाद भी पैसा रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, अब हम निकालते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और एक एप्लीकेशन पे 2.5 है, तो एक्सेस एप्लीकेशन को 2.5 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5000 इंटू 2.5 दैट इज 12,500, एंड 20,000 इंटू 2.5 दैट इज 50,000, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई। उसके बाद आपका आता है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितने शेयर अलॉटेड किए गए हैं उनसे हम अलॉटमेंट के 4 रुपए मांग सकते हैं, इनसे हम 4 रुपए मांग सकते हैं, तो 5000 इंटू 4 दैट इज 20,000 अलॉटमेंट में मांग सकते हैं, 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000 अलॉटमेंट में मांग सकते हैं। उसके बाद भी कुछ एक्सेस मनी हो सकता है बच जाए, माइनस या तो शॉर्टेज पड़ गई 7,500 की, और 50 माइनस 40 या अभी भी एक्सेस है 10,000, अलॉटमेंट के बाद एक्सेस है, और उन्होंने कहा था कि अलॉटमेंट के बाद भी आप यूज कर सकते हो, तो अब मैं करूंगा अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, कॉल पे कितने रुपए मांगने हैं, 3.5, तो जितने शेयर अलॉट किए गए हैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, उनसे हम 3.5 रुपीज मांगते हैं, तो 5000 इंटू 3.5 दैट इज 17,500, इनका तो वैसे एक्सेस खत्म हो चुका है, और 10,000 इंटू 3.5 दैट इज 35,000, और यहां आकर इनका भी शॉर्टेज हो गया माइनस का, 10 माइनस 35 दैट इज माइनस का 25,000, ये शॉर्ट पड़ गया है। इस तरीके से ये थीम जो है वो आपकी पूरी टेबल की बनती है, इस बार पैसा जो है वो कॉल तक चला गया और कॉल में जाकर जो है वो शॉर्ट पड़ गया, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका टेबल का कन्वे हो सकता है, सही है। बाकी ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लिख के करें, वो आपके लिए सही रहेगा, ओके।